हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज, इन्फॉर्मेशन, जीके साइंस एंड करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आप उसे देखें और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। यह आईटीआई से रिलेटेड वीडियो है, आईटीआई वाले बच्चों के लिए, यह शेयर जरूर कीजिए और सेशन से कुछ जानकारी मिलती है, सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। कल हमने पढ़ा था दोस्तों स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत के बारे में कि इसको कैसे हम उत्पन्न करते हैं और यह इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकता है, इसलिए यह यूज़फुल नहीं है। एम्बर को चमड़े पर रगड़ने से एम्बर में आए चार्ज को ऋणात्मक चार्ज कहते हैं और इसे ऋण आवेश भी कहा जाता है, ऋणात्मक चार्ज या ऋण आवेश। और कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ने पर धन चार्ज या धन आवेश आता है। किसमें? कांच की छड़ में। इसका मैंने आपको आगे चित्र भी दिखाया था, ये देख लीजिए, इसमें धन चार्ज और या ऋण चार्ज है। यदि असमान चार्ज है तो वह आकर्षित होंगे और समान चार्ज है तो वह प्रतिकर्षित होंगे, यानी दूर दूर जाएंगे। और फिर पढ़ा था हमने स्थिर विद्युत का सिद्धांत, उसके बाद पढ़ा था कांच की छड़ पर धन चार्ज और रेशमी कपड़े पर ऋण चार्ज होता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में कि जिसको हम रगड़ते हैं या फिर एम्बर को या कांच की छड़ को, तो जिसको रगड़ते हैं उस पर कौन सा चार्ज होता है, जिसके ऊपर रगड़ रहे हो उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है। तो जिसे हम रगड़ रहे हैं यानी कांच की छड़ को रगड़ते हैं तो इस पर धन चार्ज होता है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं और रेशम के कपड़े पर ऋण चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने के कारण। उसके बाद पढ़ा था गतिशील विद्युत, गतिशील विद्युत के बारे में पढ़ा था कि गतिशील विद्युत को विद्युत धारा कहते हैं। इस विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लाया ले जा सकता है, इसलिए इसे गतिशील विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में केबल, तारों और बस बार का उपयोग किया जाता है। इसके बाद पढ़ा था हमने गतिशील विद्युत उत्पन्न करने के निम्न साधन होते हैं, एक तो चुंबकीय प्रभाव पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था तापीय प्रभाव, और आज हम पढ़ेंगे तीसरा रासायनिक प्रभाव। रासायनिक क्रिया द्वारा इलेक्ट्रोलाइट में आयनीकरण क्रिया से विद्युत उत्पादन सेल व बैटरी द्वारा किया जाता है। इसका उत्पादन अधिक मात्रा में नहीं किया जा सकता और इसका उपयोग किया जाता है ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जैसे एलईडी टीवी और मोबाइल की बैटरी, और रेलवे में भी डीसी का ही उपयोग किया जाता है। ट्रेनों के डिब्बे में लिखा रहता है 110 वोल्ट डीसी ओनली मोबाइल चार्ज के लिए। किस लिए? मोबाइल चार्ज के लिए। तो आप देख सकते हो रासायनिक प्रभाव के बारे में, ऑटोमोबाइल यानी कि ट्रक, बस और मोटरसाइकिल, सभी परिवहन के जो भी साधन हैं उनमें जो बैटरी लगी है उस बैटरी के अंदर भी रासायनिक अभिक्रिया ही होती है, तभी विद्युत उत्पन्न होती है। और बैटरी वगैरह में डीसी स्टोर करके रखी जाती है जो हमें ऑटोमोबाइल या वाहन चलाने में उपयुक्त तो होती है। और मोबाइल के अंदर जो बैटरी होती है यह भी चार्ज और डिस्चार्ज होती है, और जब चार्ज होती है और डिस्चार्ज होती है तो यह रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही होती है। अब देख लेते हैं रासायनिक क्रिया के द्वारा इलेक्ट्रोलाइट में आयनीकरण की क्रिया से विद्युत उत्पादन किया जाता है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी एक धातु के ऊपर किसी दूसरी धातु की परत, धातु के ऊपर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाने के लिए भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन के लिए भी इसी का उपयोग किया जाता है। ये देख लीजिए, यह दोनों तांबे की छड़ है और एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव है। जैसे हम इसमें बैटरी के द्वारा पॉजिटिव और नेगेटिव देते हैं तो इसमें इस इलेक्ट्रोलाइट यानी कि कॉपर सल्फेट विलयन CuSO4 का यह विलयन है और इसमें क्रिया होती है, और क्रिया होने के बाद में इसमें से जो भी नेगेटिव चार्ज है वह सभी इस प्लेट पर आकर जम जाते हैं, जिससे कि हम इस प्लेट की परत इस प्लेट के ऊपर चढ़ा सकते हैं। विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसे कहते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें भी यही होता है कि जब बैटरी को चार्ज किया जाता है तो बैटरी का एक प्लस छड़ होती है और एक माइनस छड़ होती है। तो इसमें जब डीसी विद्युत दी जाती है तो यह तनु H2SO4 यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और उसमें एसिड बैटरी जो होती है उसके अंदर अभिक्रिया होती है, और अभिक्रिया होने से यह जो इलेक्ट्रॉन के कण जो होते हैं यह चार्ज हो जाते हैं और एक सिरे पर माइनस के चार्ज जमा हो जाते हैं और एक पर प्लस के। और जैसे ही यह बैटरी पूरी तरीके से चार्ज हो जाए तो यह चार्ज होने के बाद हम इसका उपयोग कर सकते हैं। बैटरी को जल्दी से चार्ज और जल्दी से डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, नहीं तो बैटरी इससे जल्दी ख़राब होती है। तो
रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा भी विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। अब इलेक्ट्रोलाइट के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट उसे कहते हैं, उन पदार्थ को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह लिक्विड में भी होता है, ठोस इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं। विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट उसे कहते हैं या उन पदार्थों को कहते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन से मतलब कि यह इलेक्ट्रॉन विद्युत चालक होते हैं या फिर विद्युत इनमें से आसानी से जा सकती है, प्रवेश कर सकती है। यह इलेक्ट्रॉन आसानी से किसी की दूसरे भी पदार्थ की कक्षा में जा सकते हैं, जिससे कि यह आसानी से क्रिया कर सकते हैं दूसरे पदार्थ से, और इसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं जो दूसरे पदार्थों से क्रिया करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसे ही इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। किसी आयनिक यौगिक का जल में विलयन, किसी आयनिक यौगिक का जल में विलयन सबसे साधारण विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट है। आप जान सकते हो कि रासायनिक प्रभाव के द्वारा हम विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट उन पदार्थों को कहते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके द्वारा हम आसानी से किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करा सकते हैं। क्रिया कराने के बाद में इसमें विद्युत उत्पन्न होती है और डीसी को सिर्फ 650 वोल्ट तक ही उत्पन्न या बनाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और डीसी को बैटरी सेल आदि में स्टोर करके रख सकते हैं। आयनिक यौगिक का जल में विलयन ही एक साधारण या आम इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है, प्रकाश के प्रभाव द्वारा ऐसे उपकरण जिनके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ते ही क्रियाशील हो जाते हैं। यह सेल सूर्य के प्रकाश से धन और ऋण आवेश के रूप में अपनी प्लेटों पर सोख लेता है और इस आवेश को प्रायः किसी भी चार्ज होने वाली सेकेंडरी सेल में इकट्ठा किया जा सकता है। इसे सोलर सेल भी कहते हैं। यह फोटो इलेक्ट्रिक सेल का उदाहरण है। विद्युत का प्रकाश प्रवाह इस तरीके से होता है। सोलर प्लेट होती है, उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ने पर वह क्रियाशील हो जाती है और प्लस माइनस यानी धन ऋण आवेश के रूप में अपनी प्लेटों पर सोखता है, और हम इस धन ऋण चार्ज को आसानी से किसी भी सेकेंडरी सेल या एसिड सेल जिसको चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है उसमें इकट्ठा करके उपयोग कर सकते हैं। जैसे घर की लाइट जलाने में या कोई छोटी बैटरी को चार्ज करने में इसे उपयोग कर सकते हैं। इसे सोलर सेल भी कहते हैं। आप इस इमेज को ध्यान से देखिए। इस इमेज में आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। देख लीजिए, जब सूर्य निकलता है यानी दिन के समय में सूर्य की रोशनी से यह प्लेटें चार्ज हो रही है। क्या हो रही है? चार्ज हो रही है। सूर्य की रोशनी से चार्ज हो रही है, इसमें धारा फिर इधर से इधर जा रही है यानी इन्वर्टर से बैटरी की ओर धारा जा रही है। बैटरी में स्टोर होने के बाद रात में यह धारा बैटरी से इन्वर्टर और इन्वर्टर से इलेक्ट्रिक पैनल और घर में हम उपयोग कर सकते हैं, घर में या कहीं पर भी। और नाइट में यह हमारे ग्रिड से धारा लेकर मीटर की ओर और मीटर से इलेक्ट्रिक पैनल और इलेक्ट्रिक पैनल से घर में जाती है। यानी रात में हम आसानी से घर में जला सकते हैं, लाइट फैन वगैरह जो भी है, हम विद्युत से जो भी चीज़ चलाना हो चला सकते हैं। दिन में इन प्लेटों को चार्ज करने के बाद यह प्लेटें दिन में चार्ज कर ली जाती हैं और बैटरी में धारा को डीसी को इकट्ठा कर लिया जाता है। आप देख सकते हो इसमें बताया गया है अच्छे से कि किस प्रकार से सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है और सौर ऊर्जा को हम स्टोर कर सकते हैं। दिन में हम इन सोलर प्लेटों के द्वारा इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और फिर रात में इस बैटरी के द्वारा हम घर के लिए धारा दे सकते हैं। यानी कि जब रात में सूर्य नहीं निकलता है, प्रकाश नहीं होता है, तब हम घर में आसानी से रोशनी दे सकते हैं। इसमें यह कट का निशान दिखाया गया। आप इस कट के निशान से समझ सकते हैं कि दिन में सोलर प्लेटें के द्वारा ऊर्जा हम इकट्ठा कर सकते हैं बैटरी में, और इसमें इकट्ठा करने के बाद हम दिन में ऊर्जा को इकट्ठा भी कर सकते हैं और घर को भी दे सकते हैं, या हमें जहाँ भी यूज़ करना वहाँ यूज़ भी कर सकते हैं। और नाइट में बैटरी के द्वारा धारा दी जाती है घर में भी और ग्रिड के द्वारा भी। यानी जब बैटरी में ऊर्जा समाप्त हो जाए तो ग्रिड के द्वारा धारा दी जाती है। अब बात कर लेते हैं कि सोलर प्लेट किसकी बनी होती है। सोलर प्लेट बनी होती है सिलिकॉन की, सिलिकॉन अर्धचालक की बनी होती है। यह प्लेट सोलर प्लेटें मोनोक्रिस्टलीय सिलिकॉन अकार्बनिक तत्व की बनी होती है। किसकी? मोनोक्रिस्टलीय
सिलिकॉन अकार्बनिक तत्व की बनी होती है जो आसानी से इस सूर्य की ऊर्जा को इकट्ठा करके प्लस और माइनस यानी धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज में इकट्ठा कर लेती है और बैटरी को चार्ज कर देती है, जिसके द्वारा हम आसानी से रासायनिक ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको इस फोटो के द्वारा आसानी से समझ में आ गया होगा। और यदि सेशन अच्छा लग रहा है या सेशन से कुछ जानकारी मिल रही है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी सर जे जे थॉम्सन ने। किसने? जे जे थॉम्सन ने। परमाणु के नाभिक में 3 कण होते हैं, पहला तो है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन और तीसरा है इलेक्ट्रॉन। तो इसकी एक ट्रिक है, इनकी खोज किसने की, इसे याद करने के लिए ईटा पग नाचे। क्या है? ईटा पग नाचे। तो अब इस ट्रिक को देख लेते हैं अपन। ई से हुआ इलेक्ट्रॉन और इसकी खोज की थी थॉम्सन ने, और पी से हुआ प्रोटॉन और इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने। किसने? गोल्डस्टीन ने। खोज की थी गोल्डस्टीन ने, लेकिन इसका नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने। और न से है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। किसने? चैडविक ने। तो आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं, ईटा पग नाचे, यानी ई से इलेक्ट्रॉन, उसकी खोज की थी जे जे थॉम्सन ने, टी से, और पी से आएगा प्रोटॉन, और इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने, जो पग है वह ग से गोल्डस्टीन, और नाचे से न से आएगा न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E बराबर से 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम। यह इसकी पावर है, मैंने साइड में लिख दिया है। तो 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम। प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है, लेकिन इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, यही डिफरेंस है। तो इसीलिए यह ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन धनात्मक होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना भारी होता है। कितना? 1840। कौन भारी होता है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से। चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m बराबर से 9.0 × 10⁻³¹। क्या आएगा? −31। आप इन तीनों चीज़ों को याद रखिएगा, क्योंकि यह एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। तो अब देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कितनी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या या रेडियस r बराबर से r = 1.9 × 10⁻¹⁵ मीटर, 1.9 × 10⁻¹⁵ या ऋणात्मक 15 मीटर इसका रेडियस होता है। चलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत। आवेश वाहकों की परिकल्पना का आधुनिक रूप इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं और अणुओं को परमाणुओं में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक परमाणु के बीच भारी या कठोर भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं, और उस नाभिक में प्रोटॉन धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, और नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है जिस पर ऋण आवेश होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, तब परमाणु में धन आवेश ऋण आवेश की मात्रा बराबर होती है। इस प्रकार परमाणु विद्युत उदासीन होता है। जब प्लस और माइनस दोनों बराबर हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। वही बताया गया इसमें कि इस प्रकार परमाणु विद्युत उदासीन होता है। इस तरह से एक परमाणु की संरचना होती है, यानी एक परमाणु होता है, परमाणु के अंदर भी 3 छोटे छोटे कण होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, और यही क्या इसका नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है, जो कठोर होता है यानी ठोस होता है, और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए घूमते हुए होते हैं। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं जो बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पास में होते हैं यानी नाभिक के पास में होते हैं, जैसे कि ये 2, इन दोनों को यदि हम बाहर निकालना चाहें यानी किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया कराने लगा दिए, हम नहीं कर सकते। लेकिन ये जो अंदर होता है, सॉरी जो बाहर वाली कक्षा में होता है, यह मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और यही आसानी से दूसरी पदार्थ की कक्षा में जा सकता है या वहाँ से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ सकता है। जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो किसी भी पदार्थ से क्रिया करने के लिए तत्पर या रेडी होता है, उसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हो आसानी से कि 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं और 2
प्रोटॉन दिखाए और दो न्यूट्रॉन। यदि मैं इस परमाणु से ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु को दे दूँ तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा क्या, प्लस चार्ज, यानी यह परमाणु धनावेशित हो जाएगा। और इसी के विपरीत यदि मैं किसी परमाणु में यानी इसमें यदि मैं किसी दूसरे परमाणु से और एक इलेक्ट्रॉन दे दूँ, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन इसे दे दूँ तो यह ऋण आवेशित हो जाएगा, यानी ऋण आवेश चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। और यदि मैं इलेक्ट्रॉन दे दूँ यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होने से धन आवेश आता है और इलेक्ट्रॉन की अधिकता यानी बढ़ने से ऋण आवेश आता है। परमाणु की बनावट के अनुसार इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और यदि यहाँ पर अभी कोई कक्षा होती, जैसे मैंने अभी इसके पहले वाली जो इमेज बताई थी आपको, इस इमेज में जो भी इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के पास में होता है उसके पास में उतना ही आकर्षण बल अधिक होता है, यानी नाभिक के जो जितने पास में रहेगा उसका आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। हम उसे उस परमाणु से अलग नहीं कर सकते या किसी और से क्रिया नहीं करा सकते, लेकिन जो दूर है इसका आकर्षण बल नाभिक से बहुत कम हो जाता है। तो कम होने के कारण ही हम इस पर एक विशेष प्रकार का बल लगाते हैं और यह बल लगाने से यह इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया कर लेता है, और जो हम बल लगाते हैं उसे ही EMF कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। यह आकर्षण बल, जैसे आपने देखा होगा कभी बचपन में गोल गोल घूमते हुए यदि हम हाथ फैला के यदि घूमें तो ऐसा लगता है कि हमारे हाथों को कोई बाहर खींच रहा है, तो वही यह इलेक्ट्रॉन भी इसमें इस कक्षा में चक्कर लगाते हुए रहता है और बाहरी इलेक्ट्रॉन पर इस नाभिक से आकर्षण बल कम होने के कारण यह दूसरे से या दूसरे पदार्थ से आसानी से क्रिया कर लेता है, लेकिन जो नाभिक के पास में होता है यह क्रिया नहीं कर पाता है क्योंकि इसका आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे कि मैं मुट्ठी बंद कर लूँ और जो पास में है उसको मैं आसानी से नहीं छोड़ने दूंगा, लेकिन जो मुट्ठी के बाहर साइड में है या मुट्ठी के बाहर है वह आसानी से कोई भी मुझसे छीन सकता है। तो उसी तरीके से इसमें भी जो बाहर है उसके पास आकर्षण बल कम होता है, वह आसानी से क्रिया कर लेता है। मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे.जे. थॉमसन में ईटा, और प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, और इसका नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। इसकी ट्रिक थी ईटा पग नाचे, और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, नाचे से चैडविक। तो आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत इस तरीके से है, और इसमें यही बताया गया है कि परमाणु में तीन कण होते हैं और तीन कण में से दो कण यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, और जो नाभिक के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका आकर्षण बल अधिक होने के कारण वह उससे दूर नहीं जा सकता या किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया नहीं कर सकता, लेकिन जो बाहर होता है जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वह दूर होने के कारण उसका आकर्षण बल कम होता है और वह आसानी से किसी भी पदार्थ के साथ में क्रिया कर सकता है, और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से भी करवाइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए, और इसके आगे का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। बेल आइकन ऑन करने से मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा, आप उसे देखो और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिए। और मैं इस वीडियो की पूरी PDF फाइल की लिंक लास्ट वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।